नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर बीए सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए हिस्ट्री का लेक्चर नंबर हो जाएगा 10वां। इससे पहले हमने क्या है 9 क्वेश्चन देख रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देख लीजिएगा। और जिस किसी को भी नोट्स डाउनलोड करना है तो आपकी पट्टी पर नीचे चल रहे हैं ना, जिस जिस के अगर आपको किसी भी नोट्स की जरूरत है तो बिल्कुल आप हमारी साइट www.paperhacker.in से डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, यूपी पुलिस हो, लेखपाल हो, जो भी कंप्लीट एग्जाम है आपके लिए बिल्कुल फ्री आपको बुक दी जाती है। जो लोग नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो लोग ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं वो लोग ऐप बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सभी चीज आपको यहाँ पर उपलब्ध है, सभी चीज आप डाउनलोड कर सकते हो। तो बढ़ते हैं फटाफट आज के क्वेश्चन की ओर। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, जो हो जाता है फिरोज शाह तुगलक से संबंधित। कौन भाई? फिरोज शाह तुगलक से संबंधित हो जाता है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक से क्या हो जाता है, ये संबंधित हो जाता है। हमने आपके बीएससी सेकंड सेमेस्टर में क्या दे रखा है, बीएससी सेकंड सेमेस्टर में क्या देख लिया, गुलाम वंश हमने देख लिया। ऊपर लिखते हैं, ठीक है, हमने क्या देख लिया भाई, देखो गुलाम वंश हमने देख लिया। ठीक है, गुलाम वंश देख लिया, उसके बाद खिलजी वंश भी देख लिया। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम तुगलक वंश देख रहे हैं ना, तुगलक वंश को यहां पर देख रहे हैं। तो बात करते हैं गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो वो हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अंतिम शासक कौन था, तो कैकुबाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए, इसलिए बार बार वीडियो में रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद खिलजी वंश की बात करते हैं, तो वह हो जाता है कौन, जलालुद्दीन खिलजी प्रथम शासक। इसका प्रसिद्ध शासक पूछ ले तो वह हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी। और अंतिम शासक पूछ ले तो हो जाता है नसरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, उसके बाद करते हैं, अब हम क्या देख रहे हैं, तुगलक वंश यहां पर देख रहे हैं। तो तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन हो जाता है, तुगलक वंश का जो प्रथम शासक हो जाता है वो हो जाता है कौन भाई, तुगलक वंश का जो प्रथम शासक हो जाता है वो हो जाता है गयासुद्दीन तुगलक। कौन? गयासुद्दीन तुगलक हो जाता है। इसके अंतिम शासक की बात कर लें तो अंतिम शासक हो जाता है नसरुद्दीन महमूद शाह। दोनों आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन करने से पहले, क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, बॉक्स में क्या लिखेंगे, बॉक्स में लिखेंगे प्रथम शासक कौन था भाई, बॉक्स में लिखेंगे जितना याद है आपको उतना लिखना लिखना है। बॉक्स में लिखेंगे कि तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था, तो वो हो जाता है गयासुद्दीन तुगलक। कौन? गयासुद्दीन तुगलक हो जाता है। ठीक है, लिख देना आराम से, गयासुद्दीन तुगलक हो जाता है। जितना पता है उतना हमें लिखना है, जो कि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ इस बच्चे को भाई इसके बारे में पूरी जानकारी है। उसके बाद द्वितीय लिख दो, द्वितीय कौन हो जाता है, इसका पुत्र। ठीक है, लिख देना पुत्र तुगलक का कौन, वह हो जाता है जूना खां उर्फ, कौन था भाई, जूना खां उर्फ मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, इसका पुत्र था। दूसरा अगर पूछ ले तो लिख भी सकते हो, याद हो तो उतना लिख देना। ठीक है, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है नसरुद्दीन महमूद शाह तृतीय का बेटा था, जो कौन हो जाता है, फिरोज शाह तुगलक। अगर तीसरे नंबर का जो कौन आता है, तीसरे नंबर का अब आ जाता है कौन, फिरोज शाह तुगलक। कौन? यहां पर फिरोज होगा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक आ जाता है, जो किसका बेटा था, ये मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा नहीं था, मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा नहीं था, ये बेटा हो जाता है नसरुद्दीन महमूद शाह का बेटा। नसरुद्दीन महमूद शाह तृतीय का बेटा था कौन, फिरोज शाह तुगलक। कौन था भाई, फिरोज शाह तुगलक था। उसके बाद चाहे लिख देते, लिख सकते हो आप अंतिम शासक कौन था, है ना, अंतिम शासक कौन था, तो आपको पता है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन हो जाता है, वह हो जाता है नसरुद्दीन महमूद शाह, है ना, नसरुद्दीन महमूद शाह। अगर आप इतना पहले बॉक्स में लिख दोगे, अगर आपको जितना पता है जितना आगे याद होता रहे, अगर आप लास्ट में जाकर पूरा एक बॉक्स बनाना है जिसमें जितना याद है सारा की सारा लिख देना है। ठीक है, अगर आप उतना लिख दोगे तो एग्जामिनर को पता होगी कि हाँ इस बच्चे को इतना कुछ आता है, इसने अच्छी प्रकार से पढ़ रखा है, तो आपको नंबर भी क्या है अच्छे देगा वो। ठीक है, अगर कॉपी अच्छी लिखोगे तो नंबर अच्छे दिए जाएंगे, सीधी बात है ये। ठीक है, मतलब हेडिंग को अच्छी प्रकार से डालना है और अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन करना है। इतना आपको उत्तर में पहले जरूर लिखना है बॉक्स बनाकर, जितना आपको याद है तुगलक वंश के बारे में उतना क्या है एक बॉक्स में लिखकर हेडिंग डालकर उसमें, कि प्रथम शासक, अंतिम प्रथम शासक, द्वितीय शासक, तृतीय शासक, अंतिम शासक, प्रसिद्ध शासक, सारे के सारे का करना है, इसमें लिख देना जितना आपको तुगलक वंश के बारे में याद है। ठीक है,
अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको उसके बाद में आगे थ्योरी डालना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, जो क्वेश्चन कह रखा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। उतना हमने डाल दिया तो हमें डालना था बॉक्स में पूरा की पूरा युगलक वंश के बारे में। अब हम देख लेंगे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, वैसे क्वेश्चन पहले पढ़ना चाहिए था, कोई बात नहीं, बढ़ते हैं। तो बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के सुधारों का वर्णन कीजिएगा। फिरोज शाह तुगलक जो था, जो मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जूना खां के बाद आया था, तीसरा शासक था तुगलक वंश का, तो उसने कौन कौन से सुधार किए थे इसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछ रखा है, या अथवा में इस प्रकार से भी दे सकता है कि आपके विचार में तुगलक वंश के पतन, तुगलक वंश के पतन के लिए फिरोज तुगलक कहां तक उत्तरदायी था। जो फिरोज तुगलक है वो कहां तक उत्तरदायी था किसके, तुगलक वंश के पतन के अनुसार, या ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है, या घुमा फिराकर इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे सकता है कि फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक कार्यों की विवेचना कीजिए, किसने प्रशासनिक कार्य कौन कौन से किए थे इनके बारे में बताना है, या क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि फिरोज शाह तुगलक की उपाधियों एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए, क्या उपाधियों और कार्यों का उल्लेख कीजिए, इनके बारे में आपको यहां से क्वेश्चन बन सकता है। सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको एक ही देना है। बढ़ते हैं फटाफट, ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, इतने प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, मतलब बना है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो बढ़ते हैं फटाफट, अब बढ़ते हैं उत्तर की ओर। उत्तर की ओर हमने उत्तर डाला तो हम क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में जो कुछ लिखना है वो हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। तो बात करते हैं विषम परिस्थितियों में हुआ था, क्या हुआ था, फिरोज शाह तुगलक का जो राज्यारोहण था वो विषम परिस्थितियों में हुआ था। क्यों, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने बहुत सारे सुधार किए मगर सुधार में कोई भी सफलता उसे नहीं मिली थी, तो इसलिए साम्राज्य जो था वो बहुत ही पिछड़ता जा रहा था। ठीक है, तो उस समय बहुत ही विषम परिस्थितियां थी, वही यहां पर दे रखा है कि फिरोज शाह तुगलक का राज्यारोहण विषम परिस्थितियों में हुआ था। राज्यारोहण के बाद तागी के विरुद्ध युद्ध समाप्त कर दिल्ली वापस जाने का निर्णय लिया। कहां पर जाने का निर्णय लिया था भाई, दिल्ली जाने का निर्णय लिया था, जिससे सेना को अनेक कठिनाइयां हुई, परंतु दिल्ली पहुंचकर उसने शांति और सहयोग की नीति को अपनाया, जिससे उसे अपार सफलता मिली। आपको पता है जब कोई भी शासन शांति और सहयोग, शांति और सहयोग से होता है तो वो क्या होता है, वो बहुत ही विस्तार करता है, तो वही नीति इसने अपनाई, कौन सी, शांति और सहयोग की। तो इस नीति को अपनाकर उसने अपना साम्राज्य था वो अपार सफलता में फैलाया, मतलब अपार फैलाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यहां पर हो जाता है फिरोज शाह तुगलक का शासन राजनीतिक सिद्धांत। तो यहां पर हम क्या देखने वाले हैं, फिरोज शाह तुगलक के शासन राजनीतिक सिद्धांत जो थे उनके बारे में यहां पर हम देखने वाले हैं। तो पहला आता है उसने अपने शासन में निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुकरण किया था। जो उसका शासन था उसमें बहुत सारे सिद्धांतों को उसने क्या किया था, प्रतिपादित किया था, जिसमें पहला सिद्धांत हो जाता है कि सुल्तान धर्म और राजनीति को अलग नहीं करना चाहता था। जो धर्म और राजनीति थी उसे खेल, मतलब खेलना नहीं चाहता था, अलग नहीं करना चाहता था। ठीक है, धर्म और राजनीति को। नेक्स्ट जो हो जाता है सिद्धांत, वो होता है सुल्तान के पास अधिक से अधिक विश्वास पात्र गुलाम होने चाहिए थे। इसके पास बहुत गुलाम थे, कह सकते हैं कैसे, विश्वास पात्र गुलाम होने चाहिए थे, क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक था इससे पहले वो शासक रहा था, उसके पास जो गुलाम थे वो एक प्रकार से कह सकते हैं समृद्ध नहीं थे, है ना, इसीलिए उसे बहुत सारी इतनी भी योजनाएं चलाई थी उनमें आपको क्या करनी पड़ी थी भाई, असफलता देखने को मिली थी, तो इसलिए कैसे होना चाहिए थे, विश्वास पात्र गुलाम होना चाहिए थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सिद्धांत हो जाता है कि कठोर धार्मिक होने के कारण सुल्तान की वृत्ति दान की ओर अधिक थी। ये क्या करता था, दान कुछ ज्यादा करता था, अतएव दानशीलता उसके राजनीतिक सिद्धांतों का अंग बन गई थी। जो दानशीलता थी वो क्या थी, इसके राजनीतिक सिद्धांत जो थे उनका एक अंग बन गई थी। यहां पर यह दे रखा है कि बहुत सारे दान करता था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सिद्धांत हो जाता है फिरोज शाह तुगलक, इसके पिता का नाम ध्यान रखना नसरुद्दीन महमूद शाह तृतीय। ठीक है, तीसरे नंबर पे है, ऐसे भी याद कर सकते हो कि फिरोज शाह तुगलक कौन से नंबर का है, तीसरे नंबर का है, कौन सा, तीसरे नंबर का। तो इसका बाप कौन होगा भाई, इसका जो पिता होगा नसरुद्दीन महमूद शाह तृतीय होगा। ठीक है, इसका पुत्र फिरोज शाह तुगलक को धार्मिक कट्टरता के कारण हिंदुओं पर,
किस पर? धार्मिक कट्टरता। ये कैसा था? एक धार्मिक कट्टरता राजा था, एक शासक था, जो हिंदुओं पर अत्याचार करना तथा मुसलमान धर्म पर प्रचार करना, जो मुसलमान धर्म था उसका प्रचार करता था और हिंदुओं पर क्या करता था, ये अत्याचार करता था, ठीक है। प्रचार करना उसने उसके राजनीतिक सिद्धांतों के प्रधान अंग थे। क्या था? हिंदुओं पर तो करेगा अत्याचार, ये इसका एक अंग था, तथा मुसलमान जो धर्म है उनका क्या करेगा, प्रचार करेगा, ठीक है। तो बात करते हैं, हमारा जो पांचवा सिद्धांत हो जाता है वो जाता है सुल्तान फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद तुगलक यहाँ पे कह सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक नाम एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। सुल्तान फिरोज तुगलक था मोहम्मद तुगलक को कठोर नीति को, जो उसकी कठोर नीति थी, को जनता के हृदय से भुला देना चाहता था। क्योंकि आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक, इससे पहले वीडियो में बता रखा है मैंने, मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने किसानों पर बहुत सारे कर लगाए थे, ठीक है, और जजिया कर हिंदुओं पर लगाया था, तथा हिंदू या मुसलमान जो भी हो ग्रह कर देता था और चराई करता था वो भी दिया करते थे। तो यहां पर उसको हटाने के लिए जो कठोर नीति थी, उसकी कठोरतावादी नीति थी, उसको क्या था, जनता के हृदय से भुला देना चाहता था। कौन? सुल्तान फिरोज शाह, ठीक है, तुगलक। बात करते हैं, अतएव उसने अमीरों और मौलवियों, ध्यान से देखो, अमीरों जो थे उनको और मौलवियों और उल्लेमाओं के साथ उदारता दिखाना क्या करता था, ध्यान से देखना, जो फिरोज शाह तुगलक था वो किसको उदारता दिखाता था, वो एक अमीरों होते थे और मौलवी और उल्लेमाओं के साथ उदारता दिखाना तथा उसके मतानुसार कार्य करना, जो वह मत देते थे अमीर मौलवी और उलेमाओं, उन पर ही क्या करता था, ये विचार करता था, मतलब उनके ही मतानुसार कार्य करना भी अपने राजनीतिक सिद्धांतों के अंग बना लिए थे इसने। राजनीतिक जो सिद्धांत थे वो किस पर निर्भर थे? मोहम्मद, जो कह सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक था, ये कोई एक प्रकार से अच्छा शासक नहीं था, ये किस पर निर्भर था, ये सिर्फ अमीरों पर, मौलवियों पर और उल्लेमाओं पर निर्भर था, उनके ही जो राजनीतिक सिद्धांत थे उन पर ही ये क्या करता था, कार्य करता था, ठीक है। बात करते हैं आगे, नेक्स्ट आता है सुल्तान था उसके कर्मचारी। सुल्तान और उसके कर्मचारी के बारे में देख सकते हैं यहां पर, ठीक है, ये हमारी हेडिंग हो जाती है। तो बात करते हैं, मोहम्मद तुगलक की भांति फिरोज तुगलक स्वेच्छाचारी शासक नहीं था। कह रहा ना, स्वेच्छाचारी मतलब स्वयं से कार्य नहीं करता था, ठीक है, किससे करता था, मौलवियों से, अमीरों से और उल्लेमाओं से। स्वेच्छाचारी शासक नहीं था वह, मुल्ला मौलवियों से अधिक प्रभावित होता था, जो मुल्ला मौलवी थे उनसे अधिक प्रभावित होता था। उसके दरबार में कौन था, देखो, मकबूल नामक व्यक्ति उसका विशेष कृपा पात्र था। कौन? मकबूल। क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू, क्या बनेगा एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि भाई फिरोज तुगलक के दरबार में विशेष कृपा पात्र कौन था, तो वह कौन हो जाता है, मकबूल हो जाता है। कौन? मकबूल था। मकबूल को सुल्तान ने अपना खाने जहां अर्थात मंत्री नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था भाई, जो मकबूल था वो कौन था, मंत्री था, कहां पर, फिरोज तुगलक के कार्यकाल में। इस प्रकार काजी, मुल्ला और मौलवी और उलेम सुल्तान के विश्वास कर्मचारी में से थे, इन पर ही वह विश्वास करता था। किन पर? काजी, मुल्ला, मौलवी और उलेमाओं पर, ठीक है, इन पर विश्वास करता था। सुल्तान स्वयं राज्य का प्रधान था। सुल्तान जो था, जो फिरोज तुगलक था, वो खुद ही राज्य का प्रधान था, उसके नीचे प्रधानमंत्री होता था। सुल्तान उलेमा लोगों के परामर्श से कार्य करता था। किनके? जो उलेमा लोग हुआ करते थे उनके ही परामर्श से ये कोई भी कार्य करता था, ठीक है, स्वयं ये नहीं करता था। वो दे रखा है कि ये स्वेच्छाचारी शासक नहीं था, है ना। तो किसके प्रकार? काजी हो जाता है, मुल्ला, मौलवी और उलेमाओं के अनुसार ही ये कार्य करता था। आगे बढ़ते हैं, और जो उसका प्रधानमंत्री था वो कौन था, मकबूल, ठीक है। आगे देखते हैं सुल्तान की नई योजना। अब सुल्तान की नई योजना, आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक ने कोई भी योजना चलाई थी वो सारी की सारी क्या रही थी, असफल रही थी। अब यहां पर वही योजना को सुल्तान क्या करेगा, रिपीट करेगा। क्या करेगा? रिपीट करेगा। सुल्तान की नई योजनाएं, फिरोज तुगलक का शासन तुगलक वंश का परिवर्तन युग कहलाता है। क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू कि तुगलक वंश का परिवर्तन युग कौन कहलाता है, तो वह कहलाता है फिरोज तुगलक का। किसका? फिरोज तुगलक का शासनकाल जो था वो तुगलक वंश का परिवर्तन युग कहलाता है, क्योंकि उसने मोहम्मद तुगलक की शासन व्यवस्था में परिवर्तन करके दिल्ली सल्तनत की प्राचीन
शासन व्यवस्था को पुनः स्थापित कर दिया था। जो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे नीचे गिराया था, इसकी जो व्यवस्था थी उसे नीचे गिराया था, अस्त भस्त गया था, तो उसको प्राचीन किसने बनाया? वो फिरोज तुगलक ने बनाया था, पुनः व्यवस्थित किया था। उसने अग्रलिखित सुधार किए थे, कौन कौन से सुधार किए थे अब यहां पर हम देखने वाले हैं भाई। पहला सुधार हो जाता है, वह देखिएगा बहुत ध्यान से, आय के साधन और करों में सुधार किया। जो उसने आय लगाई थी, आय आय के साधन, आय कहां से करता था मोहम्मद बिन तुगलक भाई? आपको पता है बहुत सारे कर लगाए थे, राज्य कर, गृह कर, सॉरी गृह कर, चराई कर, है ना, जजिया कर, और बहुत सारे कर वहां पर लगे हुए थे, जिनसे सुल्तान जो था मोहम्मद बिन तुगलक वो आय क्या करता था, ग्रहण करता था, ठीक है। मगर मोहम्मद फिरोज तुगलक ने क्या किया, आय के साधन तथा करों में क्या कर दिया, सुधार कर दिया, जो मोहम्मद तुगलक ने बढ़ा दिए थे। यहां देखते हैं, तुगलक सुल्तान अधिक धार्मिक था, सुल्तान जो था वो बहुत ही क्या था, धार्मिक था। वह राज्य के प्रत्येक कार्य को धार्मिक दृष्टि से देखता था, अतएव उसने राज्य की आय के साधन भी कम कर दिए। राज्य की जो आय थी उसके साधन क्या कर दिए, कम कर दिए। देखो कौन कौन से, पहला हो जाता है कुरान में, कुरान के अनुसार जो कुरान कहता है वही करता था कौन, फिरोज तुगलक, ठीक है। कुरान के अनुसार वह लूट का पांचवा भाग, इसका मतलब कुरान कहता है कि लूटो, है ना, कह रहा है वह लूट का पांचवा भाग अपने पास रखता था, शेष वह धन प्रजा तथा सैनिकों में बट जाता था। अब यहां पर पता नहीं कुरान में ऐसा कुछ है या फिर नहीं है, मगर यहां पर फिरोज तुगलक की बात करें तो यहां पर दे रखा है कि कुरान के अनुसार, देखो छुपा हुआ है यहां पर, कुरान के अनुसार वह लूट का पांचवा भाग अपने पास रखता था, शेष वह धन प्रजा और सैनिकों में बांट देता था। पता नहीं हमें कुरान में ऐसा कुछ लिखा हुआ है या फिर नहीं है, मगर बुक में तो यहां पर भाई दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखा है, उसने मोहम्मद तुगलक द्वारा नियत किए हुए बहुत से कर हटा दिए। आपको पता है बहुत सारे कर लगे हुए थे, उनको हटा दिया था केवल कुरान के अनुसार। देखो फिर कुरान के अनुसार ही बात हो रही है, कौन सा, हिराज, जकात, जजिया तथा जामचार करों को, जो जाम था ये चार करते, कौन, हिराज, जकात, जजिया और जाम, चार करों को प्रधानता दी थी इसने। ये कर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना, लिखने पड़ेंगे। शेष सब कर बंद कर दिए थे, जो बाकी कर थे, चराई कर था, ठीक है, गृह कर था, वो सारे के सारे क्या कर दिए इसने, कम कर दिए, ठीक है, हटा दिए उनको। आगे बढ़ते हैं, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाए थे, बाकी दे रखा है सिंचाई करके रूप में उपज का दसवां भाग लिया करता था, मगर मोहम्मद बिन तुगलक था वो क्या लेता था, 100 में से 50 भाग, मतलब 1/2 भाग कौन लिया करता था, वो लिया करता था मोहम्मद बिन तुगलक, मगर इसने 40% क्या कर दिए, कम कर दिए। कौन सा भाग लेने लगा भाई, दसवां भाग लिया, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप खेती तथा व्यापार में अधिक उन्नति हुई। मोहम्मद बिन तुगलक कितना लेता था, 1/2 लेता था, मगर इसने क्या लिए, इसने लिया भाई 10%, मतलब 1/10। कृषि प्रधान, कृषि प्रबंध इसने किए, फिरोज तुगलक ने कौन कौन से कृषि प्रबंध किए इसको देख लेते हैं। ये हमारी हेडिंग होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है कृषि प्रबंध। सुल्तान ने राज की व्यवस्था ठीक करने के लिए भूमि की ओर उच्च ध्यान दिया, किसकी, भूमि की ओर उच्च ध्यान दिया, क्योंकि आय कहां से मिलेगी भाई, भूमि की पैदावार से। उसने सिंचाई के उचित प्रबंध किया। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक है, हर जगह ध्यान रखना, जहां मोहम्मद तुगलक दिखे वहां पर मोहम्मद बिन तुगलक ही होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने शासनकाल में अकाल पड़ने के कारण खेती नष्ट हो गई थी, उसने भाई कुएं खुदवाए थे, मगर क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया, कुएं भी सूख गए, ठीक है, उस प्रकार से उसे असफलता देखने को मिलेगी। मगर फिरोज तुगलक, ठीक है, फिरोज तुगलक ने भी क्या किया, शासन अकाल पड़ने के कारण जो नष्ट हो गई थी, इसका भय को दूर कर कर, है ना, इस भय को दूर कर कर मैंड से, इस भय से भी सुल्तान ने सिंचाई की व्यवस्था की कि भाई अकाल पड़ गया, अब थोड़ी पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि फिरोज तुगलक ने भी सिंचाई की व्यवस्था की थी। पहली व्यवस्था जो जाती है इसको देख लेते हैं, सुल्तान ने मालगुजारी की जांच पड़ताल करने के लिए
अफसर नियुक्त किए थे, जो माल गुजारी हो जाती है ठीक है उसको जांच करने के लिए कि पर्याप्त है, सही है या फिर गलत है, इसके लिए क्या किया था भाई, अफसर नियुक्त किए थे। सेकंड आता है, ऐसे सभी करों को समाप्त कर दिया जो कष्टदायक थे और खेती की उन्नति में बाधक थे। जो बाधक हो जाते हैं खेती की उन्नति में, वो सारे के सारे क्या कर दिए, तो करते वो हटा दिए। सुल्तान ने किसान की सुविधा के लिए अमीरों और अफसरों में धन के रूप में भेंट लेने भी बंद कर दिए। जो अमीरों थे और जो अफसर, मतलब जो अफसर होते थे, उनसे जो धन के रूप में भेंट लिया करता था वो भी क्या कर दिया भाई, बंद कर दिया इसने। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है, सुल्तान ने सरकारी मालगुजारी भी कम कर दी। जो सरकारी मालगुजारी होती थी वो भी क्या कर दी इसने, कम कर दी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है कि सुल्तान ने सिंचाई के लिए 4 बड़ी बड़ी नहरें खुदवाई। एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से बन सकता है भाई, क्या बनेगा एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखना, नहरें कैसी होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। नहरें कैसी होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती है, मतलब फेरों के समान। कैसे, फेरों के समान। तो फेरों से याद रखना, फेरोज शाह तुगलक। कौन, फेरोज शाह तुगलक। तो नहरों का निर्माण किसने करवाया था, फेरोज शाह तुगलक ने करवाया था। एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो सुल्तान ने सिंचाई के लिए 4 बड़ी बड़ी नहरें खुदवाई। पहली नहर सतलज से निकालकर घाघरा तक, कहां से, सतलज नहर से, सतलज नदी से निकाली और घाघरा में प्रवेश किया। ठीक है, ये नहर खुदवाई यहां तक। दूसरी कहां से, सिरमूर की पहाड़ी से निकालकर कहां पर, हिसार फिरोजा तक इन्होंने ये नहर खुदवाई थी। तीसरी हो जाती है घगगर से फिरोजाबाद तक, कहां से, घगगर से फिरोजाबाद तक। तथा चौथी जो यमुना से हो जाती है, निकलती है और फिरोजाबाद तक जाती है। तो इन्होंने 4 नहरों का निर्माण यहां पर करवाया था। ठीक है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि जो खुदवाई थी कौन सी, सतलज नदी से निकाली थी, वो कहां पर, कौन सी नदी में डाली थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, तो कहां पर, घाघरा में। ठीक है, दूसरी कहां से निकली, दूसरी निकली थी हिसार से, वो कहां डाली थी, ठीक है, सॉरी ये है सिरमूर से, सिरमूर से कहां पर, कहां तक, हिसार तक। तीसरी जो हो जाती है वो घगगर हो जाती है, घगर से फिरोजाबाद तक। चौथी यमुना से निकाली थी, वो भी फिरोजाबाद में डाली थी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एमसीक्यू यहां से बन सकते हैं। तो ध्यान से आपको देखना है, जिस किसी को नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन दे रखा है लिंक, और जो आपको साइट पे चल रही है ना यहाँ पर नीचे दे रखे हैं सारी के सारे, आपको इस प्रकार के नोट चाहिए तो बिल्कुल हमारी साइट पर जा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नहरों के अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा के लिए नदियों में बांध भी लगाए, जिसे लगाए गए जिससे सिंचाई व्यवस्था उचित रूप से हो सके। अब जिसने नहर बनवाई होंगी उसी नहर पे क्या लगवाए होंगे, बांध लगवाए होंगे। क्वेश्चन बन सकता है, सबसे पहले बांधों का निर्माण किसने करवाया था, तो वह हो जाता है फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, नदियों पर आगे बढ़ते हैं। सुल्तान ने उपज अच्छी देखकर सिंचाई कर भी लगाया। अगर उपज अच्छी होगी तो सिंचाई कर भी यहां पर लगेगा। ठीक है भाई, क्योंकि सुल्तान ने क्या भाई, नहरें खुदवा दी, ठीक है, कुएं खुदवा दिए, एक नदी से दूसरी नदी पर क्या ला रहा है भाई, जल लेके आ रहा है तुम्हारे लिए ना, पानी लेके आ रहा है नहरों से। तो उसने क्या किया, सुल्तान ने अच्छी उपज देखी और इस पर भी सिंचाई कर लगाया, और उपज के 10वें भाग के रूप में लिया। ठीक है, उपज के कौन से भाग में, 10वें भाग में। वही हो जाता है कि इसने कृषि, कौन से, कृषि पर कर लगाया था, कितने, 10% कह सकते हैं ना, 10%। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला है, यहां देख लिया ना, 10 भाग, बिल्कुल। राजनीतिक सुधार देख लेते हैं इसके क्या देखते हैं भाई, राजनीतिक सुधार देखते हैं फिरोज तुगलक के। फिरोज तुगलक का पिता कौन था, देखो बार बार रिपीट रिवीज करोगे तो आपको बिल्कुल याद रहने वाला है। ठीक है, तो फिरोज तुगलक का पिता कौन हो जाता है, वो हो जाता है नसरुद्दीन महमूद शाह तृतीय, क्योंकि फिरोज तुगलक तुगलक वंश का तीसरा ही शासक है, तो उसके पिता में तृतीय लगा देना। ठीक है, बात करते हैं यहां पर राजनीतिक सुधार। पहला हो जाता है जागीर प्रथा, किसकी, जागीर प्रथा, एक राजवंश पास ने यह किया था। तो देखते हैं इसमें क्या देखा है, सुल्तान अलाउद्दीन ने जागीर प्रथा को बंद करके अमीरों को नकद वेतन देने की व्यवस्था की थी। जो अमीरों थे, ठीक है, पहले जो जागीर प्रथा थी, किसने, ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले क्या किया था, सेना के लिए, अमीरों के लिए, ठीक है, तो उसके कर्मचारी हैं उसके लिए नगद वेतन दिया करते थे, क्या, मोहम्मद, सॉरी
अलाउद्दीन खिलजी था वो क्या देता था, नकद वेतन दिया करता था। उसके बाद जो जागीर प्रथा थी, मतलब जो सैनिक हुआ करते थे पहले क्या दिया थे, पहले जागीर प्रथा चलती थी, क्या जागीर प्रथा, पहले क्या चलती थी, जागीर प्रथा चलती थी। अलाउद्दीन खिलजी से पहले कोई भी सैनिक है उसको एक खेती का टुकड़ा दे दिया जाता था, वहीं पर कमाता था, उसी से कमाता था और उसी से खाता था। मगर क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने जागीर प्रथा को समाप्त किया था, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने जागीर प्रथा को समाप्त किया था और सैनिकों को क्या देने लगे भाई, नकद वेतन देने लगे। ठीक है, अब यहां पर कौन स्टार्ट कर रहा है फिर से, कौन जागीर प्रथा के लिए, वो कर रहा है फिरोज तुगलक। सुल्तान अलाउद्दीन ने जागीर प्रथा को बंद करके अमीरों को नकद वेतन देने की प्रथा चलाई थी, वो आपको पता है, पहले हमने पढ़ा रखा है। परंतु फिरोज तुगलक ने अपनी उदारता की परिचय देते हुए, अपने उदारता का परिचय देते हुए दस प्रथा को पुनः स्थापित कर दिया। कैसी, कौन सी भाई, इस प्रथा को, सॉरी इस प्रथा को, मतलब जागीर प्रथा के लिए हमने क्या कर दिया, पुनः शुरू कर दिया कि भाई नहरें हमने खुदवा दी। इस प्रकार से याद रखना कि नहरें हमने खुदवा दी, डाम हमने बनवा दिए, अब क्या करो, खेती करो, नकद वेतन हम नहीं देंगे, अब तुम खेती करो, हम नगर वेतन नहीं देंगे। तो आपको याद हो गया होगा कि हाँ भाई, दूसरा कर जो दास प्रथा स्टार्ट की थी बंद हो गई थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, उसको स्टार्ट किसने किया था, उसको स्टार्ट किया था फिरोज तुगलक ने, जिसने नहरों का निर्माण करवाया था, बांधों का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं, अमीरों तथा सैनिकों को जायदाद मिलने लगी और इसके अतिरिक्त अनेक सुविधाएं भी उनको प्रदान की जाने लगी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहां पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट आता है सिक्कों की व्यवस्था, क्या सिक्कों की व्यवस्था यहां पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि आपको पता है तांबे के सिक्के किसने चलाए थे, तो तांबे के सिक्के चलाए थे वो चलाए थे इससे पहले जो गयासुद्दीन तुगलक का बेटा हो जाता है जूना खां उर्फ मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के चलाए थे, वो क्या हो गए थे, बंद कर दिए गए थे। क्यों, क्योंकि वहां की जनता ने नकली तांबे के सिक्के बनाने लगी थी, उसके बाद उसे सोने के सिक्के चांदी के सिक्के पुनः चलाने पड़े थे। ठीक है, जिससे उसका राजकोष क्या हो गया था, खाली हो गया था। अब उसने क्या किया, अब उसके बाद जो आता है नसरुद्दीन महमूद शाह तृतीय का बेटा फिरोज तुगलक, उसने तांबे के सिक्के चलाना फिर स्टार्ट कर दिए। तो देखिएगा सिक्कों की व्यवस्था, सुल्तान ने मोहम्मद तुगलक के कार्यों को भी पूरा किया। मोहम्मद तुगलक जो कार्य थे मोहम्मद बिन तुगलक का तांबे के सिक्के वाला, उस कार्य को क्या किया, इसने पूरा किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे का सिक्का प्रचलित करने में सफलता प्राप्त नहीं की थी, किंतु फिरोज तुगलक ने उसी नीति के अनुसार करते हुए दैनिक प्रयोग के लिए छोटे छोटे मूल्य के सिक्कों का प्रचार किया था। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक था वो जल्दी करता था, किसी को सोच समझ कर नहीं करता था, मगर फिरोज तुगलक ने क्या किए, छोटे सिक्के चलाए, क्या चलाए, छोटे छोटे मूल्य के सिक्के चलाए और उनको व्यापार के माध्यम में डाल दिया। ठीक है, क्योंकि छोटे सिक्के होंगे तो कोई नहीं चलाएगा, आगे कोई नहीं बनाएगा। आगे बढ़ते हैं गुलाम प्रथा, कौन सी गुलाम प्रथा यहां देखने को मिलती है। सुल्तान फिरोज तुगलक को गुलामों का चाब था, क्या था, गुलामों का चाब था, है ना, गुलामों को ये बहुत ही रखता था। कह रहा है उसके काल में इतनी संख्या लगभग, इनकी संख्या कितनी थी, 180,000 थी, ये गुलामों को अपने यहां पर रखता था। ठीक है, कह सकते हैं चाब था, इसे शौक था, ठीक कह सकते हैं, चाब को शौक कह सकते हैं, कि फिरोज तुगलक को तुगलक को गुलाम का क्या था, गुलामों का शौक था। तो इन्होंने संख्या कितनी रखी थी, इन्होंने उनकी संख्या रखी थी 180,000। इनका प्रबंध करने के लिए सुल्तान ने एक अलग विभाग खोलकर अपने दरबार में दासों की एक स्थायी संख्या रखी थी। अनेक दास प्रांतों में भिन्न भिन्न कोने पर भेजे गए थे, जो दास थे वो भिन्न भिन्न कोनों भेजे गए थे बहुत सारे प्रांतों में। फिर रखा है प्रांत पतियों ने उसकी उनको सुविधा देने का आदेश भी दिए थे, जो प्रांत पति होते हैं अलग अलग राज्य के, उन्होंने इनके लिए भी सुविधा देने के क्या किए थे, आदेश दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और हमारी हो जाती है हेडिंग, वो होती है राज्य परिवार तथा राज दरबार में प्रबंध, राज्य परिवार तथा राज दरबार में प्रबंध यहां पर देखने वाले हैं। तो सुल्तान ने राज
दरबार में उचित व्यवस्था स्थापित की थी, जो सुल्तान था उसने राज दरबार में उचित व्यवस्था प्रारंभ की थी या स्थापित की थी, उसने राज परिवार को कारखाने या विभागों में विभक्त विभाजित कर दिया। उसने क्या कर दिया, जो राज परिवार हो जाता है, कह सकते हैं राजसभा, राजा के मतलब राजा होता है सुल्तान जो होता है उसके अंतर्गत जो परिवार होता है उसका, जैसे मंत्री है, मंत्रीगण है, बाकी सारे जितने भी होते हैं कार्यकार, ठीक है, उनको राज्य परिवार कहते हैं। तो भाई रखा है इसको विभागों में क्या कर दिया, इसने विभाजित कर दिया और प्रत्येक विभाग के व्यय के लिए करों के आय का साधन निर्धारित कर दिया कि आप पर भाई इतने इतने कर आपको वसूलना है, ठीक है, जनता से। आगे बढ़ते हैं, फाइव हेडिंग हो जाती है न्याय व्यवस्था। इन्होंने न्याय व्यवस्था भी अच्छी देखने को मिलती है जो तुगलक के अनुसार बहुत ही हार्ड थी। तो अन्य छोटे छोटे सुधारों के बाद सुल्तान ने न्याय व्यवस्था को ही और ध्यान दिया। उसने निम्नलिखित नियम बनाए, कौन कौन से नियम बनाए थे न्याय के अनुसार, इनको देख लेते हैं। पहला जो जाता है कानून की व्यवस्था करने के लिए, कौन सी, कानून की व्यवस्था करने के लिए, मुफ्ती और झगड़ों को फैसला करने के लिए काजी नियुक्त किए। कह सकते हैं कानून की व्यवस्था सुधारने के लिए जो मुफ्ती थे, ठीक है, मुफ्ती था झगड़ों को, जो मुक्ति वगैरह होते हैं, झगड़े वगैरह होते हैं, उनको फैसला करने के लिए काजी नियुक्त किए थे। क्या काजी नियुक्त किए थे। सेकंड आता है न्याय की व्यवस्था कुरान के अनुसार थी। न्याय की व्यवस्था कैसी होगी, कुरान के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट बताता है कि कठोर दंड विधान नहीं था, जो कठोर दंड दिए करते थे मोहम्मद बिन तुगलक, वह यहां पर कम कर दिया गया था। अंग भंग करने का दंड बंद कर दिया तथा और प्राण दंड भी बहुत कम कर दिया था इन्होंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है सैनिक सुधार। अब यहां पर देखने, राजनीतिक सुधार हमने देख लिए, राजनीतिक सुधार हमने देख लिए, अब हम क्या देखने वाले हैं, सैनिक सुधार यहां पर देखने वाले हैं। तो सुल्तान ने सैनिक व्यवस्था में घोर परिवर्तन किए। सेना का संगठन जागीर प्रथा के आधार पर किया गया। कैसे, सेना का जो संगठन था वो जागीर प्रथा के आधार पर किया गया कि आपको जागीर इतनी है और इतनी आपको और दी जाएगी, आप सेना में भर्ती हो जाइए, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं जागीर प्रथा के आधार पर किया गया। सैनिकों की जागीर दी जाती थी, सैनिक क्या करते थे, सैनिक और जो अमीर थे उनको जागीर दी जाती थी, किंतु स्थाई सेना को नकद वेतन भी मिलता था, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। क्वेश्चन बन सकता है कि जागीर प्रथा स्टार्ट किसने की, वही हो जाता है, ठीक है। तो किसने, फिरोज तुगलक ने दोबारा स्टार्ट की थी। बंद किसने की थी, तो बंद की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने बंद की थी। और पहली बार नकद वेतन किसने दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने ही सैनिकों को दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेना में अश्वारोही की संख्या अधिक थी। सेना में जो घुड़सवार हो जाते हैं वो क्या थे, इनमें ज्यादा थी। घोड़ों का एक अच्छा विभाग था जो अच्छे अच्छे घोड़े सेना में भर्ती किया करता था। घोड़ों के निरीक्षण के लिए एक पदाधिकारी नियुक्त किया गया था कि घोड़े आप चेक करिए और सेना को दीजिए, ठीक है। तो पदाधिकारी क्या किया था भाई, नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है सैनिकों की सुविधा का विशेष ध्यान था। सैनिकों की सुविधा जो हो जाती है वो विशेष ध्यान करते थे। वृद्ध और रोगी सैनिकों को भी अपने पद से वंचित नहीं किया जाता था। जो वृद्ध और वृद्ध मतलब बूढ़े तथा रोगी सैनिक होते हैं उनको उनके पद से वंचित नहीं किया जाता था। आराम से कमाइए और खाइए। नेक्स्ट आता है सुल्तान की उदारता संगठन में अपनी सीमा का उल्लंघन कर गई थी। जो सुल्तान की उदारता थी उसका संगठन में अपनी सीमा का उल्लंघन कर गई थी। उसने नियम बना दिए थे कि वृद्ध और रोगी सैनिकों के स्थान पर उनके पुत्र संबंधी तथा गुलाम भी सेना का संचालन कर सकते हैं। तो यहां पर वही तो हो जाता है क्योंकि वृद्धों को तो रखेगा नहीं, तो वृद्ध कहां पहुंच गए, उसके घर पहुंच गए। अब उसके जो पुत्र वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, सैनिक भार यहां पर संभालेंगे। इसी प्रकार के नियम का प्रभार सुल्तान के हित में नहीं पड़ा। इस प्रकार का जो कह सकते हैं प्रभाव हो जाता है क्योंकि नई भर्ती होंगी नहीं, फिर उनके ही पुत्र क्या करते रहेंगे भाई, वहां पर भर्ती होते रहेंगे, तो नए लोग क्या करेंगे, तो ये भी प्रभाव यहां पर देखने को मिला। इस प्रकार नियम का प्रभाव सुल्तान के हित में नहीं पड़ा क्योंकि तो आपको पता है आप भी इस पर क्या करोगे, विरोध जताओगे। तो इसका जो प्रभाव था सुल्तान के हित में नहीं पड़ा। सुल्तान की धार्मिक नीति, अब तक हमने क्या देख ली, सैनिक देख ली, ठीक है, अब हम क्या देखने वाले हैं, सुल्तान की धार्मिक नीति के बारे में यहां पर देखने वाले हैं।
सुल्तान एक कट्टर मुसलमान था, क्या था भाई? कट्टर मुसलमान था, वह पक्षपाती था। उसकी नीति को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, मुसलमानों के प्रति तथा हिंदुओं के प्रति। इसके एक मुसलमानों के प्रति और हिंदुओं के प्रति, क्योंकि कुरान की थ्रो चलता था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहां हो जाता है कि मुसलमानों के प्रति, पहला हो जाता है मुसलमानों के प्रति। कट्टर मुसलमान होने के कारण उसने मुसलमानों का पक्ष लिया, मुसलमानों को उच्च पद प्रदान किए गए थे। और बात हो जाता है नेक्स्ट, इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए उचित तथा अनुचित पदों, उचित अनुचित दोनों साधनों का प्रयोग किया गया था। हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए उत्साहित किया जाता था इसके थ्रू। आगे देखो, नेक्स्ट हो जाती है हमारी कि गरीब मुसलमानों को सार्थक आर्थिक सहायता दी जाती थी, जैसे कह सकते हैं दीवाने खैरात से, है ना, दीवाने खैरात से जाती थी। एक अलग विभाग खोला था उसने कि मुसलमानों को आर्थिक सहायता कहां से मिलेगी, दीवाने खैरात से मिलेगी। तो यहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि दीवाने खैरात किसने चलाया था, तो वह विभाग बनाया था फिरोज तुगलक ने। ठीक है, गरीब मुस्लिम कन्याओं का विवाह करना, मुस्लिम विधवाओं की समस्या करना, सहायता करना तथा मुस्लिम जाति का उपकार करना इस विभाग की मुख्य कार्य थे। धार्मिक अवसरों पर सुल्तान मुसलमानों की मदद करता था, जो धार्मिक अवसर वगैरह हो जाते हैं या शादी वगैरह हो जाती है, उन पर मुसलमानों की क्या करता था, ये सहायता करता था। नेक्स्ट आता है हिंदुओं के प्रति नीति। अब तक हमने क्या देखी, मुसलमानों की प्रति नीति देखी, अब हम क्या देखेंगे, हिंदुओं के प्रति नीति यहां पर देखने वाले हैं। हिंदुओं के प्रति सुल्तान की नीति अत्यंत कठोर थी। पहली हो जाती है, उसने जामनगर तथा कठोर नगरकोट के हिंदुओं के मंदिर को तोड़वाया और मूर्तियों को नाश किया। क्या किया था, देखो, उसने जामनगर और नगरकोट के हिंदुओं के मंदिरों को तोड़वाया, मूर्तियों का नाश किया, अनेक हिंदुओं को तलवार की मौत घाट उतार दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, उसने उच्च पदों में वंचित रखा, उच्च पदों तक इसने नहीं जाने दिया। ठीक है, बात करते हैं हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए उत्साहित किया। मुसलमान बनने पर उसके साथ उदारता का व्यवहार किया जाता था, देखिएगा, है ना, ये क्या करता था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट रखा है कि प्रजाहित के कार्य, क्या प्रजाहित के कार्य यहां पर देखने वाले हैं। सुल्तान अत्यंत उदार था सिर्फ मुसलमानों के लिए, उसने लोकहित के अनेक कार्य किए, जैसे शिक्षा हो जाती है, सुल्तान ने प्रजा की शिक्षा का प्रबंध किया, उसने राज्य की ओर क्या मकतब खुलवाए, मकतब मदरसे वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, मकतब मदरसे कहते हैं इस प्रकार से खुलवाए। वह विद्वानों का भी आश्रय देता था, जो विद्वान वगैरह आते थे उनको आश्रय देता था। सुल्तान ने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की उचित व्यवस्था की थी। तो ये फिरोज शाह तुगलक जो था वो बहुत ही कह सकते हैं माइंड इसके पास बहुत था, क्या था, माइंड इसके पास बहुत था। इसने देखो शिक्षा का प्रबंध किया तथा सुल्तान ने विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति भी यहां पर स्टार्ट की थी, किसने, फिरोज तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं, साहित्य, क्योंकि इसने जो शासन काल किया था उसमें नहरें बनवाई, खेती अच्छी हुई, है ना, इसे कर भी अच्छा दिया, कर भी अच्छा मिला, तो इसने अपने साम्राज्य बहुत ही विस्तार किया। साहित्य की बात करते हैं, सुल्तान ने अनेक ग्रंथों का भी निर्माण कराकर प्रजा के ज्ञान को बढ़ाने के साधन की उत्पत्ति की। ठीक है, इन्होंने क्या किए थे, बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे, ठीक है, उनको प्रजा के क्या, वो भाई शिक्षा ज्ञान में बढ़ोतरी हो इसलिए। तथा गयासुद्दीन बरनी ने तारीखे फिरोजशाही, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तारीखे फिरोजशाही जो है वो किसकी है, तो वो है गयासुद्दीन बरनी की। क्वेश्चन बनेगा, फिरोज शाह तुगलक के शासन काल संबंधित कौन है, तो गयासुद्दीन बरनी। तारीखे फिरोजशाही किसकी है, बरनी, इसी काल में लिखी गई थी। इसके अतिरिक्त मौलाना जलालुद्दीन रूमी, कौन था, जलालुद्दीन रूमी तथा शम्स सिराज अफीफ, ठीक है, शम्स सिराज अफीफ इसी सुल्तान के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। प्रजा के ज्ञान के प्रसार के लिए फिरोज ने बहुत से संस्कृत के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया था, प्रजा को ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए संस्कृत के बहुत सारे ग्रंथ थे उनको फारसी में अनुवाद इसने करवाया था। रोगियों की सहायता, इसके अनुसार रोगियों की सहायता भी देखने को मिली। रोगियों की सहायता करने के लिए सुल्तान ने औषधिशाले खुलवाए,
और योग्य डॉक्टरों को नियुक्त इसने किया था। ठीक है, आगे देखो, यात्रियों की सुविधा यहां पर देखने को यहां मिल जाती है। फिरोज उदार था, फिरोज क्या था, उदारवादी था, यात्रियों का सम्मान करता था, वह उनको दान देता था और उनकी सुविधा का ख्याल रखता था। ठीक है, यह ध्यान रखता था। तो यहां से बहुत सारी हेडिंग हो जाती है। ठीक है, आगे भी देखते हैं, आगे हो जाता है निर्धनता को दूर करने के उपाय। क्या निर्धनता को दूर करने के उपाय भी इसने सोचे थे। देख सकते हो यहां पर क्या हो जाता है, सुल्तान ने बेकार व्यक्तियों की लिस्ट बनाकर उनको नौकरियां दिलवाई थी। इस प्रकार फिरोज तुगलक ने शिक्षा के लिए समुचित प्रबंध किया, परंतु उसके समय के साहित्य इस्लाम धर्म से प्रभावित होने के कारण संकुचित धारणाओं से परिपूर्ण रहा। क्योंकि वह किससे संबंधित था, साहित्य इस्लाम से ही संबंधित था, इसीलिए वो प्रभावी जो कार्ड थे उनसे क्या रहा था, ये परिपूर्ण रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिरोज, फिरोज एक शासक की दृष्टि से ना कुशल था, एक शासक की दृष्टि से ना कुशल था। फिरोज जो था वो एक शासक की मतलब सुल्तान की दृष्टि से ना कुशल था। ना मतलब सुल्तान को सभी पर क्या होना चाहिए थे, समान अधिकार दिए जाने चाहिए थे, मगर ये सुल्तान की दृष्टि से क्या था, एक ना कुशल था और ना ही परिश्रमी, परंतु उसके योग्य अधिकारियों ने उसकी इस कमियों को पूरी की और उसकी धार्मिक नीति ने उसे कट्टर इस्लामी समर्थकों के सहयोग और प्रदान किया, है ना, सहयोग प्रदान किया था, कट्टर इस्लामी समर्थकों की सहायता प्रदान किया। उसकी दास प्रथा और सैनिक व्यवस्था दुर्बल और राज्य के लिए हानिकारक रही। उसकी जो दास प्रथा थी और सैनिक व्यवस्था जो थी, ठीक है, वो क्या रही, उसके राज्य के लिए हानिकारक रही। क्यों, क्योंकि दास प्रथा थी, ये जो लोग थे इन्होंने क्या किया, इनके साम्राज्य को क्या किया था, मतलब कह सकते हैं इन्होंने धोखा दिया, है ना, इन्होंने क्या दिया, धोखा दिया। और जो सैनिक व्यवस्था थी वो तो आपको पता ही है ना, ये वृद्ध को रखता था, वृद्ध जब हो जाते थे उनको पुत्रों को रखता था, मगर सेना में नई भर्तियां नहीं होती, तो इस वजह से भी आपको यहां पर देख सकते हो कि हानिकारक रही थी, है ना, उसके साम्राज्य के लिए। परंतु फिरोज के आर्थिक लोक हितकारी और सार्वजनिक निर्माण के लिए कार्य सफल हुए। क्या हुए, बाकी सारे कैसे होते हैं, फिरोज तुगलक के जो लोक हित और सार्वजनिक निर्माण कार्य जो हो जाते हैं उसमें क्या रहा था, ये सफल रहा था। उसने प्रजा सम्मान और सुखी हुई, उसके प्रजा संपन्न, सॉरी, उनसे प्रजा संपन्न और सुखी रही थी, ये बात सही है, क्योंकि बहुत सारी नहरें इसमें खुदवाई थी, चार नहरें हो जाती हैं, ठीक है, और फसल वगैरह अच्छी हुई थी, तो कह सकते हैं उसने प्रजा संपन्न, ठीक है, प्रजा संपन्न और खुशी रही थी, उसके शासनकाल में होना चाहिए था, उसके शासनकाल में प्रजा संपन्न और खुशी रही। ठीक है, बात करते हैं मोहम्मद तुगलक ने राज्य को जो घाव दिए थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने राज्य को जो घाव दिए थे उनको क्या था, उसको फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था भाई, भर दिया था। इस क्षेत्र में वह सफल रहा। संक्षेप में फिरोज तुगलक का सचित्र दुर्बल और प्रभावी है। दुर्भव कैसा है, दुर्भव और प्रभाव, संक्षेप में फिरोज तुगलक का जो चरित्र है वो कैसा है, दुर्लभ है और प्रभावहीन है। ठीक है, उसमें योग्य शासन के गुणों की कमी थी, योग्य शासन के, है ना, कह सकते हैं, क्योंकि किन पर निर्भर था, मुसलमानों, अमीरों, है ना, इन पर ये निर्भर हुआ करता था। सुल्तान ने सैनिक गुणों के अभाव ने और उसकी दुर्बल नीतियों के कारण भ्रष्टाचार फैला। उसकी दुर्बल नीति थी क्योंकि मौलवी वगैरह डिपेंड था, खुद पर डिपेंड था नहीं, तो इसलिए क्या हुआ था, भ्रष्टाचार फैले। यहां पर गुलामों के अनुसार पदों को वंशानुगत करने से प्रशासन तथा सेना अयोग्य व्यक्तियों को भर गए, है ना, प्रशासन और जो सैनिक सेना जो थी वो अयोग्य व्यक्तियों से भर गई थी। वृद्ध भी काम कर रहे थे, जो टूटे फूटे होते हैं वो भी यहीं पर काम कर रहे थे, तो इस वजह से कह सकते हैं कि प्रभाव ने उसकी दुर्बल नीतियों के कारण भ्रष्टाचार फैला दिया। पदों के वंशानुगत करने के प्रशासन और सेना अयोग्य व्यक्तियों से भर गई थी। दासों ने प्रशासन के अनुचित हस्तक्षेप किया। धार्मिक नीति कार्यवादी थी, कैसी थी, धार्मिक नीति थी, प्रतियावादी थी, सॉरी प्रक्रियावादी थी, है ना, फिर काय उसके सौभाग्य के कारण उसकी दीर्घकालीन शासन था, उसकी योग्यता के कारण नहीं। उसकी नीतियां ही मुख्य रूप से गुलाम साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार बनी, है ना, उसकी नीतियां हो जाती हैं वही क्या बनी थी, उसके साम्राज्य के पतन का
कारण बनी थी। तो कह सकते हैं इन्हें वृद्ध रखे थे और गुलामों पर विश्वास किया था, है ना, उन्होंने क्या दिया था, इन्हें धोखा दिया था, भ्रष्टाचार किया था। तो आप कह सकते हो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन हो जाता है 10वां, वो यहां पर आता है समाप्त। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन हमारा 11वां, जो हमारा लोदी वंश से संबंधित रहने वाला है। ठीक है, 11वां हम क्या देखेंगे, ग्राम 11वां हम देखेंगे लोदी वंश से संबंधित। हमने भाई तीन यहां पर पढ़ चुके हैं, गुलाम पढ़ लिया, खिलजी पढ़ दिया, तुगलक भी पढ़ लिया। ठीक है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, ये सारे के सामने पढ़ रखे हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, आपको सिर्फ 10 पार्ट में दिए जा रहे हैं। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, गुलाम, खिलजी, तुगलक। ठीक है, तो तुगलक तक हम पहुंच गए हैं। अब हम क्या देखेंगे, खिलजी वंश की ओर बढ़ेंगे, जो कि प्रथम शासक हो जाता है बहलोल लोदी, अंतिम हो जाता है इब्राहिम लोदी। ठीक है भाई, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद आना चाहिए था, मगर सैयद थोड़ा सा है। ठीक है, सैयद हम अभी आपको बता दे रहे हैं। सैयद वंश का जो प्रथम शासक था वो हो जाता है खिज खां। कौन? खिज खां हो जाता है प्रथम शासक। अगर क्वेश्चन बनेगा तो एमसीक्यू आपसे बन जाएगा। ठीक है, नहीं दे रखा है तो उसे छोड़िएगा, बस आपको प्रथम और लास्ट याद रखना है कि खिलजी वंश का, सैयद वंश का जो प्रथम शासक हो जाता है वो हो जाता है खिज खां, और अंतिम शासक जो हो जाता है वो हो जाता है आलम शाह। कौन था? आलम शाह। तो आपको बस इतना ही याद रखना है सैयद वंश के अनुसार। अब बढ़ेंगे उसके बाद हम कहां, लोदी वंश की ओर, और लोदी वंश का प्रथम शासक हो जाता है बहलोल लोदी, अंतिम हो जाता है इब्राहिम लोदी। उसको हम कब देखने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं पार्ट नंबर 11 में, मतलब पार्ट नंबर 11 अपना, क्वेश्चन नंबर 11। तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी लाइक करना है, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर ही देना है, जो कि नोटिफिकेशन आपके घर पहुंचे। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।